नमस्कार, रेसिपी स्वतनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कॉर्न की सब्जी। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इसका टेस्ट बहुत ही स्वादिष्ट है, प्लस इसे बनाना काफ़ी इजी है। हमें पता है आपको हमारी कॉर्न की रेसिपीज़ बहुत पसंद आती है। हमने जो तीन टाइप के कॉर्न की चाट की रेसिपी बनाई थी, आप सबने उसे बहुत प्यार दिया है। ये कॉर्न की रेसिपी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको और आपके घर पर सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये कॉर्न की सब्जी बनाने के लिए हमने दो भुट्टे का इस्तेमाल किया है। हमें बिल्कुल ताज़ा भुट्टा लेना होगा। आप भुट्टा का दाना देख करके पता कर पाएंगे कि भुट्टा ताज़ा है या नहीं, क्योंकि अगर दाना ड्राई रहता है, सूखा रहता है, तो उसमें टेस्ट नहीं रहता है। तो इस तरीके का एकदम ताज़ा ताज़ा दो भुट्टा लीजिएगा। दो भुट्टे में हम 4 से 5 लोगों के लिए आराम से सब्जी बना लेंगे। अगर आपको ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो आप ज़्यादा भुट्टा का इस्तेमाल कर सकते हैं। भुट्टा उबालने के लिए हमने एक बर्तन में पानी उबाल लिया है, उसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इस पानी में भुट्टे को डाल देंगे उबालने के लिए। भुट्टे का दाना हल्का सॉफ्ट हो जाए उतना ही हमें उबालना है। जब तक कॉर्न उबल रहा है, मसाला का देख लेते हैं। मसाला में हमने यहाँ पर लिया है 2 प्याज, 8 से 10 काजू, 1 टेबल स्पून धनिया, सूखा धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 2 कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, 8 से 10 काली मिरी, 5 से 6 लहसुन, 1 इंच अदरक, 1 इंच दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 1 चक्री फूल, 4 से 5 लौंग, बिल्कुल थोड़ा सा जायपत्री, थोड़ा सा फ्रेश नारियल, ताज़ा नारियल हमने लिया है 50 से 100 ग्राम और 2 टमाटर। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून। उसके बाद हम प्याज को 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और उसके बाद बाकी सारा मसाला ऐड कर देंगे। तो हमें सारा मसाला को थोड़ी देर फ्राई करना होगा जब तक टमाटर हल्का सा सॉफ्ट ना हो जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इन सारे मसालों को फ्राई करेंगे। मसाला फ्राई हो जाने के बाद उसे प्लेट पर निकाल कर थोड़ा ठंडा होने देंगे और उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर जार में ऐड करके इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो हम सारा मसाला को मिक्सर ग्राइंडर जार में पहले ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा पानी का भी इस्तेमाल करेंगे, तो तकरीबन 1/4 ग्लास हम इसमें पानी ऐड करेंगे और बिल्कुल बारीकी से ग्राइंड कर लेंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है उसका जेन्युइन फीडबैक आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वो भी बताइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसका भी फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हम हमारे वीडियोस पे काम करके आपके लिए बेस्ट रेसिपीज़ ला सके। हमारा मकसद हमेशा यही रहेगा कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन रेसिपीज़ लाते रहे। उबले हुए भुट्टे का हम दाना अलग कर देंगे, तो एक चक्कू के हेल्प से, छुरी के हेल्प से हम इस तरीके से भुट्टे से सारा दाना अलग कर देंगे। बड़ी आसानी से दाना अलग हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 2 बड़ा चम्मच तेल ऐड कर देंगे, कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम पर रखिएगा। उसके बाद हम इसमें 2 तेज़पत्ता ऐड करेंगे। जीरा चटक जाने के बाद हम इसमें करी लीव्स ऐड कर देंगे और साथ ही हम 2 बारीक चॉप किया गया प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हींग ऐड कर देंगे, इससे डाइजेशन भी अच्छा होता है, स्वाद भी अच्छा आता है। 1/2 टीस्पून हल्दी। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए हम इसमें तकरीबन 1 से 1.25 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाला जो हमने सारा ग्राइंड करके लिया था। यहाँ पर हमें फ्लेम लो टू मीडियम पर रखना होगा और हम मसालों को अच्छे से पकाएंगे उसका कच्चापन निकलने तक। तो जब भी मसाला पक जाता है तो थोड़ा ऑयल भी रिलीज़ करने लगता है, तो हम इसे चलाते हुए पकाएंगे ताकि कढ़ाई के तले में लगे नहीं मसाला। 3 से 4 मिनट हो गया मसाला को फ्राई करके। उसमें हम शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, तो 2 शिमला मिर्च को हमने ऐसे बड़े बड़े पीसेस में कट किया है, वो इसमें ऐड कर दिया है। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, तो 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड कर दिया हमने। नमक को सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे
और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कॉर्न। तो कॉर्न को मसालों के साथ हम थोड़ी देर पकाएंगे ताकि सारा मसाला का जो स्वाद है वो कॉर्न में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। इससे कॉर्न और मसाला दोनों का स्वाद दुगना हो जाता है। तो हम मीडियम फ्लेम पर इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। हमें इसे ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कॉर्न ऑलरेडी उबला हुआ है, प्लस शिमला मिर्च को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने। तो हमने इसे 3-4 मिनट पका लिया मसालों के साथ। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 1 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप आपके हिसाब से रख सकते हैं। आपको पतला ग्रेवी पसंद है तो आप ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा, बट 1 ग्लास पानी में प्रॉपर ग्रेवी बनेगा इसका। ना ज़्यादा पतला होगा ना ज़्यादा गाढ़ा होगा। पानी डालने के बाद हम उबाल आने तक इसे पकाएंगे और उसके बाद इसका टेस्ट एनहांस करने के लिए 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। इससे स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। और बिल्कुल आखिर में इसमें चॉप धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। इससे भी काफ़ी स्वाद निखर के आता है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। सब्जी के ऊपर हम थोड़ा सा फ्रेश क्रीम डाल करके सर्व कर लेंगे। और ये हो चुका है हमारा कमाल का सुपर डिलीशियस कॉर्न की सब्जी रेडी। आप इसे रोटी, पूरी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत कमाल का लगता है। आप ज़रूर इसे बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये रेसिपी। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।